आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आइए नजर डालते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों पर। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को याद दिलाया वादा, कोरोना में मकान का किराया देने का किया था ऐलान, दिल्ली सरकार को मिला और वक्त। कोविड महामारी के दौरान गरीब किराएदार को किराए का भुगतान न करने पर दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि अदालत ने दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किराया न देने संबंधी घोषणा को लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार इस आदेश का पालन करने में फेल रही। मुख्यमंत्री ने कहा था यदि कोई गरीब किराएदार कोविड-19 महामारी के दौरान किराया देने में असमर्थ है तो सरकार इसका भुगतान करेगी। अदालत ने अब सरकार को इस आदेश को लागू करने के लिए 2 सप्ताह का समय प्रदान किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष पेश दिल्ली सरकार के वकील गौतम नारायण ने बताया कि ये मामला सरकार के सामने विचाराधीन है। उन्होंने इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितम्बर तक तय की है। दिल्ली NCR में जोरदार बारिश, तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच मौसम में आई ठंडक। दिल्ली NCR क्षेत्र में बारिश शुक्रवार देर रात शुरू हुई और शनिवार सुबह भी जारी रही। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच पारा भी 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत NCR के ज़्यादातर इलाकों में बरसात कई घंटों तक जारी रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली और NCR में तापमान में तेजी गिरावट आई है, राहत महसूस कर रहे हैं दिल्ली के लोग। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि सितंबर में इस बार 10% से ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि अगस्त में 24% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया। मांस मदिरा की बिक्री पर होगा प्रतिबंध। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और शिव की नगरी काशी के विकास की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों को पवित्र स्थल तीर्थ स्थल में 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है। उत्तर प्रदेश शासन के धर्मार्थ कार्य विभाग के ऊपर मुख्यमंत्री सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अधिसूचित क्षेत्र में शराब और मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में करेंगे सरदार धाम भवन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम फेज कन्या छात्रावास का भूमि पूजन भी साथ में करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। अहमदाबाद में स्थापित सरदार धाम भवन में छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। भवन के कन्या छात्रालय में आर्थिक मानदंडों के बावजूद 2000 लड़कियों के लिए एक छात्रावास की सुविधा होगी। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। करनाल किसान महापंचायत 4 घंटे में चली बैठक के बाद किसानों और प्रशासन के बीच टकराव खत्म होने के आसार। करनाल में बीते दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रशासन और किसान संगठनों के बीच जारी तनातनी कम होती नजर आई। पुलिस और प्रशासन की बेरुखी से नाराज किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल जिला मुख्यालय के बाहर तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। किसानों का धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन ने किसान नेताओं से लंबी वार्तालाप की। 4 घंटे तक चली किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बैठक में सकारात्मक बातचीत हुई। आज शनिवार को फिर बैठक होगी। किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर बात हुई है। शनिवार को एक बार फिर से बातचीत के लिए सुबह 9 बजे बुलाया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि उम्मीद है कि आज पूरा फाइनल फैसला आ जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बताया यूपी की उम्मीद, लखनऊ में तैयार हो रही है चुनावी रणनीति। प्रियंका गांधी पर कांग्रेस ने यूपी चुनाव का एक प्रोमो जारी किया है जिसमें उन्हें यूपी की उम्मीद बताया गया है। प्रियंका लखनऊ में यूपी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। आज तय हुआ है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में
12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता वक्त वक्त पर शामिल होंगे। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी तो है, वो यहाँ पार्टी की सबसे बड़ी न्यूज मेकर भी है। वो सुर्खियाँ बनाती है और सुर्खियाँ बटोरती भी है। अफगान छात्रों से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा आपके हर दर्द दुख में हम साथ, समस्याओं के साथ समाधान का दिया आश्वासन। अफगान स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ग्रुप इन चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं से मिले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों को समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया कि वह अफगान छात्रों के हर दर्द दुख में साथ हैं। उन्होंने कहा कि अफगान छात्र लिखित में परेशानियों से अवगत कराएं, हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अफगान छात्रों की ओर से सेक्टर 36 स्थित पीपल्स कन्वेक्शन सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रेस वार्ता के बाद छात्रों से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मिले। उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा प्रभी थे। छात्रों ने अवगत कराया कि तालिबान पर उनका भरोसा नहीं है, उनके कई छात्र साथी वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकालने में मदद की जाए। इसके अलावा यहाँ किराए पर रह रहे छात्रों के पास पैसे नहीं है, कई समस्याएं आ रही हैं। इन पदाधिकारियों ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का निदान करवाने की कोशिश की जाएगी। जिद में भाजपा की बैठक, किसानों ने किया विरोध, बैरिकेडिंग तोड़ कार्यालय तक पहुंचे, जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के जिद में कैथल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में चल रही बैठक का विरोध करने खटखट टोल प्लाजा से किसान पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में बैरिकेडिंग की और किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर भाजपा कार्यालय तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध करने पहुंचे किसान जितेंद्र सिंह सिद्धू, महिपाल खटकड़ व जयप्रकाश ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ही पहले से ही आह्वान किया गया था कि भाजपा व जजपा के कार्यालयों पर विरोध किया जाएगा, लेकिन दोनों ही दल बार बार किसानों को उकसाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। मध्य प्रदेश में अपराधियों का पैसा बटेगा गरीबों में, शिवराज सरकार कर रही है नए कानूनों पर विचार। मध्य प्रदेश सरकार अपराध को रोकने के लिए एक नया कानून पेश कर सकती है। इस कानून में अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटने का प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह कानून उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट में भी ज्यादा सख्त हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि गृह और कानून विभाग इस बिल पर एक साथ काम करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल में अपराधियों का जब्त धन और संपत्ति गरीबों में बांटने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। केसों के जल्द निपटारे के लिए हम स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और गवाहों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इन अपराधियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों को भी सजा का प्रावधान इस बिल में किया जाएगा। मेघालय के निर्दलीय विधायक सिटार ग्लास सुन का कोरोना वायरस से निधन, नहीं लगवाया था कोई टीका। मेघालय के निर्दलीय विधायक स्टार क्लास सुन का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। सुन मामफलांग से विधायक थे, उन्होंने कोरोना जांच करवाई थी जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मापगप में अपने आवास पर स्थित उनकी मृत्यु हो गई। विधानसभा के एक अधिकारी के मुताबिक निर्दलीय विधायक स्टार क्लास सुन ने कोई टीकाकरण नहीं करवाया था। ये राज्य के 7 गैर टीकाकरण वाले विधायकों में शामिल थे। सुन पर्यावरण पर विधानसभा समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय फुटबॉलर यूजिसन लिंगदोहा के पिता थे। उनकी राजनीति के बारे में बात की जाए तो 2016 में राज्य PHE के मुख्य अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद वह राजनीति में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में मांफलांग सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और विजय रहे। फ्लैट आवंटन मामला, MS धोनी समेत आम्रपाली समूह के 1800 घर खरीदारों को नोटिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत उन 1800 लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त रिसीवर ने बकाया भुगतान का नोटिस भेजा है, जिन्होंने नोएडा से आम्रपाली समूह की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में घर खरीद रखे हैं। रिसीवर ने इन सभी को 15 दिन के अंदर बकाया पैसा जमा करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही रिसीवर ने इस पब्लिक नोटिस में ये भी कहा है कि यदि फ्लैट खरीदार रिसीवर द्वारा बनाई गई ग्राहक की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में विफल रहते हैं
और 15 दिन के भीतर भुगतान शुरू नहीं करते हैं तो उनका फ्लैट आवंटन अपने आप रद्द हो जाएगा। दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर हमला, कहा महिलाओं के लिए तालिबान के समान है संघ की विचारधारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी आगामी चुनाव के लिए मद्देनजर संगठनों को मजबूत करने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष पार्टियों ने आरएसएस पर हमले तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। उनका दावा है कि आरएसएस के पास महिलाओं के लिए तालिबान के समान विचारधारा है। उन्होंने ट्वीट किया, तालिबान का कहना है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि महिलाएं घर में रहें और घर की देखभाल करें, क्या ये समान विचारधारा नहीं है? दिग्विजय सिंह ने आगे केंद्र से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, बकौल दिग्विजय मोदी शाह सरकार को अब ये स्पष्ट करना होगा कि क्या भारत तालिबान सरकार को मान्यता देगा जिसमें घोषित आतंकवादी संगठन के सदस्य मंत्री हैं। कश्मीरी पंडित पर राहुल गांधी की बेबाक राय, विपक्ष ने ली चुटकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर की भाईचारे वाली संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी ने जम्मू के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी में प्रेम भाईचारा और मिली जुली संस्कृति की भावना विद्यमान है। मुझे दुख है कि भाजपा और आरएसएस के इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वे प्यार और भाईचारे पर हमला करते हैं, आप कमजोर हो गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने आपके राज्य का दर्जा छीन लिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेती है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष जय माता दी के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। गुजरात सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ जमकर लगाई दहाड़, सीएम रूपाणी ने कहा हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों पर कठोर कार्रवाई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि उनकी सरकार उन लोगों से सख्ती से निपट रही है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उन्हें भगा ले जाते हैं। उन्होंने यहाँ मलधारी समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की है जो गोवध में संलिप्त हैं। बताते चले कि इस समुदाय का परंपरागत पेशा पशुपालन है। उन्होंने कहा मेरी सरकार ने कड़े प्रावधान वाले कई कानून बनाए हैं, इसमें गोवध रोकना, जमीन हड़पने को रोकने का कानून, चेन झपटमारी में शामिल होने वाले लोगों को दंडित करने का कानून भी शामिल है। हमने लव जिहाद रोकने के लिए भी कानून बनाया है। हम उन लोगों से सख्ती से निपट रहे हैं जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उन्हें भगा ले जाते हैं। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हमारी सरकार लव जिहाद का कानून लेकर आई है जिससे ऐसे अत्याचार ना होने पाए। महिलाओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये नया कानून इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत को 5वें टेस्ट में बिना खेले मानी हार कहने के बाद इंग्लैंड में बोर्ड ने मारी पलटी। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि मैन चैप्टर में शुरू होने वाला 5वां टेस्ट रद्द कर दिया गया है। शुरू में ECB ने एक बयान में कहा था कि यदि भारतीय टीम मैदान पर उतरने में असमर्थ है तो 5वें टेस्ट को खेले बिना ही हार मान ले और सीरीज को बराबरी कर ले। हालांकि इंग्लैंड बोर्ड ने जल्द ही एक नया बयान जारी किया है जिसमें भारत के 5वें और अंतिम टेस्ट को गंवाने के संदर्भ को हटा दिया है। इस समय सीरीज में भारत 2-1 से इंग्लैंड से आगे है। आने वाले कुछ समय में सीरीज को लेकर फैसला किया जाना है।